भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला, युवकों ने फेंके पत्थर, सुरक्षा कर्मियों से हुई झड़प। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर के माध्यम से उनके काफिले पर हमले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर में नयकाटोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिले में शामिल उनकी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने जब उसका विरोध किया तो सभी हमलावर भाग निकले। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा डुमरांव में पूर्व विधायक दाऊद अली के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आरा के रास्ते पटना लौट रहे थे। उस क्रम में उसी दौरान आरा के जगदीशपुर में नयकाटोला मोड़ के पास उपेंद्र कुशवाहा के काफिले को काले झंडे दिखा रहे कुछ युवकों के साथ उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों की झड़प हो गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर उन पर हमले की जानकारी दी है। अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयकाटोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिला में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया, पत्थर फेंका, सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर सभी भाग निकले। जैसा कि आप ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं कि उन्होंने ये जानकारी दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काला झंडा दिखा रहे युवकों का कहना है कि वे लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल रहे लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें दो युवक को सिर में चोट आई है। इधर उपेंद्र कुशवाहा के विरोध किए जाने के बाद दो गुटों के समर्थकों के बीच सरेआम लाठी डंडे चले, जिसका लाइव वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की है। उपेंद्र कुशवाहा ने गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं इस झड़प में अशोक कुशवाहा और प्रेम कुशवाहा को चोटें आई हैं। उन्हें लाठी से पीटा गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज। नमस्कार।